जॉन मैकेनरो को 10 गुना भुगतान किया जाता है, जो मार्टिना नवरातिलोवा को विंबलडन के प्रसारण के लिए मिलता है। 9 बार विंबलडन का चैंपियन और टेनिस कमेंटेटर का कहना है कि विंबलडन प्रसारण के लिए बीबीसी साथी कमेंटेटर जॉन मैकेनरो से 10 गुना काम करता है और वह गुस्से में है क्योंकि उसे डर है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह हर जगह महिलाओं को होता है। यह एक झटका था क्योंकि जॉन मैकेनरो कम से कम 1,50,000 पाउंड करीब $210,000 कमाता है। मुझे लगभग 15,000 पाउंड मिलते हैं, लगभग $21,000। नवरातिलोवा ने बीबीसी के अपने शो में से एक पर बताया पैनोरमा। नवरातिलोवा कहते हैं, जबकि उनके विंबलडन गिग्स के लिए अंशकालिक नौकरी है, यह उचित नहीं है कि उन्हें अपने पुरुष समकक्ष से इतना कम भुगतान मिलता है और अगर यह उसके साथ हो रहा है तो उसने कहा अन्य महिलाओं को वेतन असमानता से भी निपटना चाहिए। अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो आप मुझे जानते हैं कि यह एक अंशकालिक नौकरी है, यह मेरी जिंदगी का 2 हफ्ते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो पूर्णकालिक काम करते हैं, हो सकता है कि विसंगति बड़ी नहीं है, लेकिन यह जोड़ता है एक जीवन भर, उसने कहा, यह एक अद्भुत राशि तक बढ़ाता है। बीबीसी ने कहा कि यह वास्तव में उचित निष्कर्ष नहीं है क्योंकि मैकेनरो नवरातिलोवा से हवा में 3 गुना अधिक है और दोनों विभिन्न प्रकार के अनुबंध पर हैं। जॉन और मार्टिना टीम में विभिन्न भूमिका निभाते हैं और जॉन की भूमिका एक अलग पैमाने, गुंजाइश और समय की प्रतिबद्धता का है। एक बयान में कहा वह पूरे टूर्नामेंट में बीबीसी के लिए कॉल करने के लिए अनुबंधित है, लिंग एक कारक नहीं है। नवरातिलोवा इससे सहमत हैं कि मैकेनरो हवा की तुलना में अधिक है, परंतु 10 गुना ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने कहा। उसने यह भी कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि पुरुषों और महिलाओं को एक ही काम के लिए समान रूप से भुगतान किया जा रहा है, इसलिए उन्हें लगता है हमें सच नहीं बताया गया था। और वह यह भी महसूस करती है कि ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक को वेतन में लिंग इक्विटी के लिए बेहतर करना चाहिए था। पिछली गर्मियों में बीबीसी ने अपने मनोरंजन सितारों और शीर्ष पत्रकारों के वेतन से पता चला कि यह अपनी महिला सितारों को बहुत कम भुगतान करता है। जब टिप्पणी के लिए पूछा गया, मैकेनरो के लिए एक प्रतिनिधि ने संदर्भ दिया, मैकेनरो शायद टेनिस में सर्वाधिक प्रोफाइल कमेंटेटर, ने 3 विंबलडन एकल खिताब जीते। पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर ने हाल के महीनों में सुर्खियां बनाई हैं। जनवरी में यह बताया गया था कि अभिनेत्री मिशेल विलियम्स ने फिल्म ऑल द मनी इन द वर्ल्ड पर रिहूट करने के लिए 1% से अधिक सहस्टार मार्क वॉल्बिक के $1.50 मिलियन शुल्क कमाए हैं। भयंकर आलोचना के बाद वेहलविक ने कहा कि वह विलियम के नाम पर टाइम अप डिजिटल डिफेंस फंड में पैसा दान करेंगे।